हुल दिवस के मौके पर दुमका में राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू के साथ कल्याण मंत्री लुइस मरांडी और विपक्ष ने संथाल हुल के महानायकों को श्रद्धांजलि दी। हुल दिवस पर सिधो कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि भारतीय इतिहास में स्वाधीनता की लड़ाई सन 1857 में शुरू हुई, लेकिन इससे दो साल पहले 1855 में हुए संथाल जनक्रांति ने अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे। महानायकों को श्रद्धांजलि देते हुए कल्याण मंत्री लुइस मरांडी ने कहा कि आज का दिन आदिवासियों के लिए एक महापर्व के समान है, हमें इन महान सपूतों से सीख लेने की जरूरत है। भारत में अंग्रेजी सत्ता को बढ़ाने के लिए अंग्रेजों ने कई नीतियां अपनाई थी, कहीं वह हड़प नीति का सहारा लेता तो कहीं सहायक संधि का। संथाल परगना में भी उन्होंने ऐसी एक नीतियां अपनाई थी जिसके तहत यहां जमीन के लगान काफ़ी बढ़ा दिए गए थे और उसे अदा न करने पर किसानों की जमीन को न्यायालय द्वारा नीलाम करवा दिया जाता था और बाद में से अपने पिट्ठों से खरीदवा दिया जाता था। इसके अलावा उसने यहाँ महाजनों की एक फौज खड़ी कर दी थी जो लोगों को सूद पर पैसे देते और जब सूद वापस नहीं आता तो उसकी ज़मीनों को बिकवा दिया जाता था, नीलाम करवा दिया जाता था, जिससे बाद में फिर अंग्रेजों के ही पिट्ठू खरीद लेते थे। यानी कुल मिलाकर अंग्रेजों का यह प्रपंच था कि यहाँ के लोगों को इतना पीड़ित किया जाए, इतना पीड़ित किया जाए कि वो अंग्रेजों की शरण में आ जाए, उसकी हुकूमत को स्वीकार कर ले। लेकिन यहाँ ठीक उसका उल्टा हुआ, लोगों में विद्रोह की भावना पनपने लगी और लोगों के विद्रोह की इस भावना को भड़काने में और आग का काम किया सिधु कानू दो महानायकों ने। 1855 में एक बड़ा हुल हुआ, इस क्षेत्र में अंग्रेजी मुलाजिम मारे जाने लगे, अंग्रेज थर थर कांपने लगे। लेकिन जैसा कि अक्सर होता था, अंग्रेज बड़ी सेना के बदौलत बाद में इस क्रांति को भी दबाने में सफल हुए और सिधो कानू समेत इस क्षेत्र के महान क्रांतिकारियों को पकड़कर फांसी की सजा दी। लेकिन उसके बाद भी संथाल हुल का आतंक अंग्रेजों पर इतना था कि बाद में बाहर के क्रांतिकारियों से संपर्क होने पर और बड़ा आंदोलन इस क्षेत्र में न हो, इसके लिए उसने SPT एक्ट, संथाल परगना टेनेंसी एक्ट बना दिया, जिसके तहत यहाँ किसी को भी जमीन खरीदने या बेचने पर मना ही कर दी। पंजाब केसरी के लिए दुमका से वीरेंद्र कुमार झा।